फूडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की रेसिपी है चावल के आटे के लड्डू के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ मैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या यूज़ किया है मैंने लड्डू बनाने में। तो यहाँ 1 किलो चावल का आटा लिया है और 1 किलो ही गुड़ है। 200 ग्राम मैंने तिल लिए हैं और 1 नारियल को मैंने ग्रेट किया हुआ है और थोड़ी सी मैंने खसखस ली है 3-4 स्पून के करीब, और थोड़ा सा देसी घी, और ये थोड़ी सी मैंने ली है काली मिर्च, और थोड़े से ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो तिल हमने लिए थे इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। आप जब इसे भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखिएगा, बहुत जल्दी भून जाते हैं। 2 मिनट में ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए। तो बस मैं अब गैस की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और एक पैन में हम यहाँ 1 गिलास पानी कर देंगे ऐड। नॉर्मली जो हम गिलास यूज़ करते हैं घर में, उसी गिलास को मेज़र करके मैंने पानी लिया है, और देखिए पानी बॉयल हो गया है। तो जो गुड़ हमने यूज़ किया था वो हम ऐड कर देंगे, ये देखिए। तो देखिए गुड़ भी अब मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो हम दूसरी तरफ जो हमने चावल का आटा लिया है इसको हम भून लेंगे। इसको भी हमने सिर्फ मीडियम ही आँच पर भूनना है, ये भी आपका 4 से 5 मिनट में भून जाता है। अगर आप इसे स्लो मीडियम आंच पे भूनेंगे तो बहुत अच्छी तरह भून जाता है, जलने का डर भी नहीं रहता। तो इसे आपने लगातार चलाना है ताकि कढ़ाई के तले में आटा लगे ना, ये देखिए। तो ये चाशनी भी हमारी उबल चुकी है, तो ये देखिए कितनी अच्छी बॉइलिंग आ चुकी है। तो हम अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और आटे को फटाफट भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए, थोड़ा सा और भूनना है, ये देखिए। ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ये देखिए। बस भूनकर तैयार है, आप जब इसे भूनेंगे 4 से 5 मिनट इसे भूनिएगा, बस तैयार है। तो इसे मैं एक बड़े से थाली में निकाल लूँगी, आप इसे बड़े बर्तन में निकालिएगा। और उसके बाद काली मिर्च ऐड कर देंगे, खसखस ऐड कर दी मैंने, और जो नारियल हमने लिया था ग्रेट करके वो इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, और हमने तिल भी इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, ताकि जब लड्डू बनाएं तो ईजिली लड्डू बन जाए। आप घी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो चाशनी हमने बनाई थी उसे मैं छान के डाल रही हूँ, ये देखिए। और अब बस अब इसे हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह, ताकि जो चाशनी है वो चावल के आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो देखिए मिक्स हो गए हैं और कितने इजीली देखिए लड्डू बन रहे हैं। तो अपने साइज़ से आप लड्डू बना सकते हैं, छोटे बड़े जो आपको पसंद हो, ये देखिए। तो लड्डू बनके तैयार है बिल्कुल देसी स्टाइल। आप वीडियो को देखकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपके ये लड्डू कैसे बने। तो अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। प्लीज मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो।